बलिया शहर के टीडी कॉलेज चौराहे पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से छात्रों की यात्रा आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी है। बात करें कुंवर सिंह चौराहा से लेकर टीडी कॉलेज चौराहा तक इस छात्रों की लंबी लाइन, आज छात्र महाकुंभ है जिस महाकुंभ में आज छात्र और नौजवान शामिल हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित है जो गंगा बहुउद्देशीय सभागार से लेकर टीडी कॉलेज चौराहा तक रहा, गंगा बहुउद्देशीय सभागार से लेकर स्टेडियम होते हुए कुंवर सिंह चौराहा होते हुए टीडी कॉलेज चौराहा पहुंचा और जहां पुरानी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय थी उसके सामने ठीक जो मंच सजा है उस मंच पर कार्यक्रम आयोजित है और बच्चे पद यात्रा में शामिल हैं। देख सकते हैं कि आज टीडी कॉलेज चौराहा पर किस तरीके से जाम लगा हुआ है। जाम का वजह यह है कि छात्रों का आज पद यात्रा निकला है। हम आइए बात करते हैं, किस विद्यालय से आप? नागाजी मालदेवपुर से। आज क्या है? आज यहाँ पे नर्रास एवीपी द्वारा परिषद बैठाया गया है जी, वाह, तो हम लोग वही झंडा यात्रा निकाल। आइए हम उस जगह पे चलते हैं जहाँ कार्यक्रम आयोजित है, उस कार्यक्रम की तरफ आपको चलते हैं जहाँ आज बच्चों की भीड़ आप ज़्यादा देख सकते हैं। आइए हम चलते हैं उस जगह। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र महाकुंभ उस खुले मंच पर छात्रों की भीड़ मंच तक पहुंच रही है। इस आयोजन में करीब 500 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से यह आयोजन आयोजित है जिसमें अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद थे अपने लोगों के साथ। तो ये भीड़ आप देख सकते हैं कि मंच के सामने काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, हाथ में झंडा लेकर बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल हैं। ये बच्चे नागाजी विद्या मंदिर के हैं, नागाजी परिवार से बच्चे हैं जो आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने खास तैयारी की थी जो आज वो तैयारी पूरी हो रही है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही, जुड़े रहें बलिया चल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।